के चलते उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण अपने ही मित्र के साथ लूटपाट कर उसे गंभीर जख्मी करने का मामला हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 3,65,550 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें अनेक लोगों ने अपने रोजगार गंवा दिए, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। हालांकि इस दौरान आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा होता दिखाई दिया। इसी बीच हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत कोरोना के चलते उत्पन्न हुई आर्थिक संकट के कारण अपने ही मित्र के साथ लूटपाट कर उसे गंभीर जख्मी करने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी संजय तिवारी को 24 अप्रैल की शाम लगभग 7 बजे के दरमियान उसके मित्र अक्षय लवसारी का फोन आया और उसने फिरियादी से 200 रुपए उधार मांगकर उसे हुड़केश्वर पेट्रोल पंप के पास लेकर आने को कहा। फिरियादी पेट्रोल पंप पर पहुंचा तब अक्षय ने फिरियादी को अपने साथ चलने को कहा। अक्षय खुद फिरियादी को हुड़केश्वर रोड से जबलपुर हैदराबाद हाईवे की हीवरकर लेआउट हाईवे सावजी ढाबा से 100 मीटर दूर लेकर गया और फिरियादी को लघु शंका लगने से फिरियादी वहां थोड़ी देर के लिए उतर गया। इस दौरान एक खेत से 3 व्यक्ति आए और फिरियादी की आंखों पे मिर्ची पाउडर डाला और बाकी के 2 ने चाकू की नोक पर फिरियादी से उसके पास से कुल 3,26,500 रुपए का माल लेकर फरार हो गए। इस बारे में जब फिरियादी ने हुड़केश्वर पुलिस में FIR दर्ज कराई तब पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को धर दबोचा। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चित्तरंजन सांदोरे ने अधिक जानकारी साझा की। घटनास्थल अपने रिंग रोड पे जो है हुड़केश्वर नाका से लेफ्ट जाने के बाद प्रेरणा स्कूल की तरफ, वहाँ पे जो हाईवे सावजी ढाबा है उसको लक्की है, रोड से छोड़ के 100 मीटर अंदर में है ये। पुलिस ने इस कार्रवाई में अक्षय लवसरे, हर्षल ढाले, आदित्य भूनवी और स्वप्निल उर्फ सनी बोरकर को गिरफ्तार किया और आरोपियों से कुल 3,26,000 का मुद्देमाल जब्त किया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।